हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू ऑफ फ्रॉग्स। अब ये चैप्टर 7 में आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। बट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू उड़ा दिया, अर्थवर्म उड़ा दिया, कॉकरोच उड़ा दिया, रह गया है सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग। तो समझो एक तरह से तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इनिशियली मुझे अजीब लगा पढ़ने में फ्रॉग, बट वंस यू गो थ्रू एनसीईआरटी ट्वाइस और थ्राइस बड़ा इजी लगेगा आपको। आप उसको ह्यूमन बॉडी से भी बहुत चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो इस क्लास में मैं बिल्कुल क्लास में ही पूरा मॉर्फोलॉजी उसकी, एनाटमी उसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब कुछ क्लास में ही अच्छे तरीके से करा दूंगा। और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं सारे चैप्टर्स का, सारे नए एनसीईआरटी के चैप्टर्स का एनसीईआरटी रिव्यू करा दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए वीडियो को लाइक करके एंड चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वैसे तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं, जब जिनको नहीं पता बेटा, बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी हम एक बैच लेके आए हैं। बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी हम एक बैच लेके आए हैं। इस बैच का नाम है निश्चय 3.0। जो बच्चे निश्चय 1.0 और 2.0 में हैं उनको अच्छे से पता है कि निश्चय बैच कम प्राइस में क्या ऑफर करता है और क्या क्वालिटी ऑफ लेक्चर हम देते हैं। और हम लेक्चर और क्लास शेड्यूल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो निश्चय 3.0 भी बिल्कुल निश्चय 1.0 और 2.0 की ही तरह एक अमेजिंग बैच होने वाला है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 200 घंटे के लाइव लेक्चर फिजिक्स के, 150 आवर्स के लाइव लेक्चर केमिस्ट्री के और 150 आवर्स के लाइव लेक्चर बायोलॉजी के। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो ऐसे फिजिक्स में जैसे रिक्वायरमेंट है बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बायो मैं ब्रिज कर दूंगा निश्चय 1.0 2.0 के सीक्वेंस में ताकि उनका भी भला हो जाए नई एनसीईआरटी के लेवल से। ठीक है, तो ये निश्चय 3.0 में आपको क्या है, डेली मंडे टू सैटरडे टू क्लासेस, कितना 2 आवर्स ईच। ठीक है, और 30 मिनट्स का डीपीपी होगा इसका, 30 मिनट्स डीपीपी शाम में। तो ये आपका पूरा शेड्यूल होगा क्लास का। ठीक है, क्लास के बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छा, और फोर्टनाइटली हर 15 दिन पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बेटा हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, लेकिन आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। अगेन प्रिंटिंग डिलीवरी चार्ज होता है, तो इस प्राइस में हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको नहीं दे सकते। कहाँ मिलेगा ये बैच सर? आप मेरे वेबसाइट पे जाइए आनंदमनी.in, या मेरा ऐप भी आपको आनंद मनी के नाम से मिल जाएगा। ठीक, वहां पे इसकी प्राइस 2999 दिखा रही होगी और कट करके हम लोग अभी उसको 1499 पे दे रहे हैं। मतलब पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी 1499 पे आपको दे जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना चाहते हो, दो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तीन सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फिजिक्स डॉक्टर पीयूष पंत सर पढ़ा रहे, बहुत अमेजिंग टीचर, बहुत सीनियर फैकल्टी है। कल आपने उनकी डिलीटेड सिलेबस में भी वीडियो देखी थी। केमिस्ट्री प्रियंका राणा मैम पढ़ा रही, वो भी एक आकाश की फैकल्टी है। तो सारे ऑफलाइन वाले टीचर आराम से ऑफलाइन के तरीके से आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे इस बैच में। तो फटाफट ये बैच एनरोल कर लीजिए। इस बैच का स्टार्ट डेट 15 अक्टूबर है, बट आप जल्दी इनरोल कर लीजिए क्योंकि ये ऑफर पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो ये बैच फटाफट आप इनरोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब अपने लेक्चर पे वापस आते हैं, फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो और जो भी एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट करके हम उसको साइड में सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट वाइज आपके लिए बना देंगे ताकि आपके लिए उसका रिवीजन आसान हो। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी रिव्यू। एनसीईआरटी के बियॉन्ड अगेन आपको ही पता है, कुछ आता नहीं है तो कुछ दिमाग लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, हमने बात की इसका हैबिटेट क्या है सर, ये जमीन पे भी रह सकता है और फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। देख लेना,
मैराइन हैबिटेट में नहीं रहता, फ्रेश वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो टेरेस्टियल और एक्वाटिक है, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर हैबिटेट है, ठीक है सर। तो ये इसका हैबिटेट हो गया, और क्या बोल रहा है सर? एंड इट बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया, ठीक है, ठीक है सर। क्लास एम्फीबिया, एम्फीबियंस कहते हैं ऑब्वियसली, जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स हैं बिल्कुल, नोटोकॉर्ड, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना, ठीक है। इसको वैसे कॉमन नेम में बुल फ्रॉग भी बोलते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी के समरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी की समरी को भी तवज्जो देते हैं, तो ये बुल फ्रॉग हो गया आप, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? दे डू नॉट हैव अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल। क्या है कि एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो इनका एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है। देयर टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, इनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करते रहता है, और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड और पॉलिकोथर्म्स, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और उसको हम लोग होमियोथर्म्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉइंट बोल रहा है सर? और बोल रहा है, यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस दैट चेंजेस इन द कलर ऑफ फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रास और ऑन ड्राई लैंड, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, इसको हम कहते हैं केमोफ्ले, क्या? इन्वायरमेंट में छिप जाना, तो इसको हम कहते हैं, या इन्वायरमेंट में ब्लेंड कर जाना, तो इसको हम कहते हैं केमोफ्ले। और इस तरह के प्रोटेक्टिव कलरेशन को, मतलब उसके बॉडी का कलर इस तरह से बनाया गया है कि वो इन्वायरमेंट में छिप जाए, तो ये क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिमिक्री। तो ये प्रोटेक्टिव कलरेशन जो है इसका, इसको हम क्या कह रहे हैं सर? इसको हम कह रहे हैं मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या हो रहा है? मिमिक कर रहा है, इन्वायरमेंट को मिमिक कर रहा है, जिससे इसका प्रे प्रीडेटर इसको देख ना पाए, है ना, इसको खाने वाला इसको देख ना पाए, ठीक है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर, बड़ा जिंदगी अच्छा है फ्रॉग का यार, ठीक है। बहुत गर्मी होगा तो काम नहीं करेंगे, बहुत सर्दी होगा तो काम नहीं करेंगे, है ना। हम लोग का भी ऐसा होना चाहिए, समर और विंटर ब्रेक, बट क्या करोगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, मतलब दोनों चल रहा है इनका, समर स्लीप भी चल रहा है, समर स्लीप को क्या कहते हैं सर हम? एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप भी चल रहा है, विंटर स्लीप को क्या कहते हैं सर हम? हाइबरनेशन। तो मतलब ये समर स्लीप भी कर रहा है, विंटर स्लीप भी कर रहा है। तो सर कितने पॉइंट्स इससे बने? 5 पॉइंट। क्या? पहला सर, हैबिटेट क्या है इसका? लैंड पे रहता है, फ्रेश वाटर पे रहता है। क्लास एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डेटा, राना टिग्रीना नाम है। कोल्ड ब्लडेड है, प्रोटेक्टिव कलरेशन मिमिक्री शो करता है, और एस्टिवेशन भी शो करता है, और हाइबरनेशन भी शो करता है। कुछ है कॉम्प्लिकेटेड? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, आइए। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा एक्सटर्नल फीचर्स फ्रॉग का देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? गिलगिलास होता है। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। तो इसके स्किन पे एक म्यूकस का लेयर है, तुम ऐसे फ्रॉग पकड़ने जाओगे तो उछल के भाग जाएगा, ठीक है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है। क्यों? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए, स्किन से भी ब्रीद करता है वो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, इसी वजह से स्किन आपको मॉइस्ट कंडीशन में देखने को मिलता है। इसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अभी आगे इस पे बात करेंगे रेस्पिरेशन पे, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर क्या बोल रहा है सर? द कलर ऑफ द डॉर्सल बॉडी, अब देखो डॉर्सल वेंट्रल समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डॉर्सल वेंट्रल समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट। तुम अपने आप को समझो कुत्ता हो, ठीक है, सो तुम ऐसे कर लिए, अपने आप को ऐसे लीन कर लिए ऐसे, तो तुम्हें अपने बॉडी का पता नहीं क्या वेंट्रल है क्या डॉर्सल है? अपने बॉडी का पता है तुम्हें क्या वेंट्रल है क्या डॉर्सल? बिल्कुल सर, है ना, पता है। तो अगर तुम ऐसे अपने आप को लीन कर दिए, तो पीछे वाला क्या हो गया? ये डॉर्सल हो गया, और ये अंदर वाला क्या हो गया? ये वेंट्रल हो गया। सेम फ्रॉग के साथ भी है कि ये वाला जो पोर्शन है ये डॉर्सल हो जाएगा, और अंदर वाला जो पोर्शन है ये
वेंट्रल हो जाएगा। क्लियर? ये हमेशा दिक्कत आता है ना। अब तुम सीधा थोड़ी चल रहे हो कि इसका वेंट्रल, ऐसे थोड़ी फ्रॉग चल रहा है, तो यहां पे डॉर्सल वेंट्रल का डिफरेंस आपको देखना जरूरी है, ठीक है? तो क्या कह रहा है, द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। दिख रहा है आपको स्पॉट्स? स्पॉट दिख रहा है आपको? डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। तो कलर कैसा है? ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ठीक है सर, लिखिए। कलर हो गया आपका ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट, ठीक है। वेंट्रल साइड कैसा है? अंदर वाला, तो लाइट कलर का है। तो वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, लाइट कलर का है ना, तो यूनिफॉर्मली पेल, ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये बता भी सकते हो आप लोग, क्या द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, पानी कभी नहीं पीता, वो स्किन से पानी एब्जॉर्ब करते रहता है। बोला मेनू की, मैं क्यों पानी पीऊंगा भाई, मेरा स्किन मॉइस्ट है, तो धीरे 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 पानी सीप इन करते रहता है उसके अंदर, ठीक है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। तो उसका दोनों काम हो गया, पानी का भी उसका रिस्टोरेशन हो गया, और प्लस उसका इस हिसाब से स्किन भी मॉइस्ट रहने लगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लेना, तुमको लगेगा कि अरे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तुम लोगों को शिट यार कैसे होगा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते, बॉडी ऑफ अ फ्रॉग, अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, ठीक है। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग, ये डायग्राम से तुम सब समझ जाओगे। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक। ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हेड हो गया, ये नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है ये ट्रंक हो गया। तो बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड और ट्रंक, पूंछ नहीं है इसमें, पूंछ नहीं है, ठीक है, और गर्दन भी नहीं है। ऐसे थोड़ी फ्रॉग ऐसे कर लेता, ऐसे कर लेता नहीं, उसके आंख ऊपर है तो अपने आंख से ही ऐसे ऐसे देख लेता है ना। तो पूंछ और गर्दन नहीं है, तो नेक एंड टेल आर एब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक और टेल नहीं है, ठीक है। अबव द माउथ, माउथ है यहां पे इसका, अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, जिससे सांस ले। फ्रॉग तुम्हारा स्किन से भी सांस लेता है, ठीक है, फ्रॉग तुम्हारा लंग से भी सांस लेता है, और जब पानी में रहता है तो गिल से भी सांस लेता है, ठीक है। तो अभी पूरा रेस्पिरेशन पढ़ेंगे अभी, ठीक है, अच्छा, ठीक है। आईज आर बल्ज, ठीक है, आईज आर बल्ज अबव एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें एक मेम्ब्रेन होता है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्या करता है सर ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग का काम करता है। तो पानी के अंदर उसको देखना है तो क्या होगा, एक वाटर प्रूफ लेयर है जो उसको देखने में मदद करेगा। हमारे आंखों में भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है बट किसी काम का नहीं होता, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गेन इन ह्यूमन बींग। तो आई बल्ज, जैसे कहते हैं मेढक जैसी आंखें हैं इसकी, निकला हुआ ऐसे आंख है, गोल गोल सा आंख है, तो उसको हम कहते हैं आईज आर बल्ज एंड इट इज कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वॉटर, ठीक है। ऑन ईदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्फैनम, मेम्ब्रेनस टिम्फैनम क्यों? एक्सटर्नल पिन्ना नहीं है, कान नहीं है उसके, ये वाले नहीं, सिर्फ छेद है। तो मेम्ब्रेनस टिम्फैनम है जो साउंड रिसीव करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फोर लिम और हाइंड लिम हेल्प्स इन स्विमिंग वॉकिंग लीपिंग एंड बरोइंग, सारा काम फोर लिम्स और हाइंड लिम। आगे वाला जो है ये फोर लिम हो गया और पीछे वाला जो है ये हाइंड लिम हो गया। अब इसमें कहानी सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बड़ा मजा आया था कलंगो रात में पढ़ने में इसको, ठीक। क्या? द हाइंड लिम एंड इज इन 5 डिजिट, हाइंड लिम में कितना डिजिट है? हाइंड लिम में इसके पास 5 डिजिट है, डिजिट समझते हो, डिजिट उंगलियां, 1 2 3 4 5, तो हाइंड लिम में इसके 5 डिजिट है एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स। क्यों? तैरने में हेल्प करेगा या उछलने में हेल्प करेगा। तो पीछे का ये ना स्प्रिंग की तरह उछलता है फ्रॉग, फ्रॉग ऐसे, तो स्प्रिंग की तरह उछलता है ना। तो इसीलिए क्या है कि जो हाइंड लिम है वो कैसा है,
तुम्हारा मस्कुलर ज्यादा है, और कितना डिजिट है, 5 डिजिट, 5 डिजिट, ताकि पानी भी पीछे फेंक पाए और दूसरा उछल भी पाए, ठीक है। तो दे आर लार्ज जर्ब एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फोर लिम्स क्या होता है, इट एंड्स इन फोर डिजिट्स। फोर लिम्स में कितना डिजिट है, फोर लिम्स एंड्स इन फोर डिजिट्स, मैं लिख देता हूं ये अलग से, फोर लिम एंड्स इन फोर डिजिट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइंड लिम 5 डिजिट्स, फोर लिम 4 डिजिट, इस पर सवाल आ सकता है। हाइंड लिम्स 5 डिजिट्स और फोर लिम्स 4 डिजिट्स, ठीक है सर, चल अच्छा। क्या है, फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प्स इन स्विमिंग। वेब समझते हो, जैसे सपोज मान लो कि ये इसका डिजिट है ऐसे, तो हम लोग कहते हैं हाथ ऐसे साफ है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि जाला होता है, जैसे मान लो इसका एक उंगली है, ये इसका दूसरा उंगली है, ये इसका तीसरा उंगली है, ये इसका चौथा उंगली है, जो भी है, और ये मान लो पांचवा है, लेट्स से ऐसा मान लो, ठीक है। वेब मतलब क्या होता है कि अब यहां पे जैसे अब ये उंगली साफ साफ है, अब यहां पे मान लो कि वेबिंग कर दी गई, इसको भर दिया गया, एक मेम्ब्रेनस शीट है, इसको भर दिया गया, इसको भर दिया गया, तो इसको हम वेब्ड फूट फुट कहते हैं, वेब्ड फुट। क्या करेगा सर ये वेब्ड फुट, ये वेब्ड फुट की वजह से क्या होता है कि पानी ये अच्छे से पीछे भेज पाएगा ना, चक्कू की तरह काम करेगा, है ना। तो ऐसे ये अपना पानी ऐसे पीछे भेज पाएगा, पानी डिस्प्लेस करेगा, तभी तो आगे जा पाएगा या तैर पाएगा पानी में, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, अच्छा। फिर क्या कह रहा है, फ्रॉक्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल दिखने में अलग अलग दिखेगा, ठीक। तो मेल फ्रॉक कैसे डिस्टिंग्विश हो रहा है, तो मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल्स है, जो टर 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 है ना, बरसात के टाइम में जो करता है वो मेल फ्रॉग करता है, ठीक है, ध्यान रखना, आपसे मेल फ्रॉग को पकड़ के मारना। तो मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड। क्यों साउंड प्रोड्यूस कर रहा है सर, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड Also has a copulatory pad on the first digit of the forelimb. लीजिए कहां से इनका हिसाब किताब चल रहा है, हाथ से ही करना है जो भाई साहब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो copulatory pad कहां है, on the first digit of the forelimb. Very important, इस दोनों पॉइंट को स्टार लगाइए। तो क्या क्या इसके पास है, मेल्स के पास एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है और एक copulatory pad है। copulatory pad मतलब जिससे कॉपुलेशन कर सकते हो, कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। तो सेक्स कैसे कर रहा है, सेक्स हाथ से कर रहा है वो, ठीक है, किससे, फर्स्ट डिजिट से अपने सेक्स कर रहा है, ठीक है। एक फनी सा जोक है, अब मान लो फ्रॉग फक यू कैसे बोलेगा, ऐसे फर्स्ट डिजिट, बट ठीक है, ठीक है। फीमेल फ्रॉग में यह ऑब्सेंट है ऑब्वियसली, समझ में आया सर। तो मेल फ्रॉग के पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक है और दूसरा क्या है, कॉपुलेटरी पैड है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम। दिन पे दिन मेरे जोक का स्टैंडर्ड गंदा होते जा रहा है। चल तो ये हो गया इसका मॉर्फोलॉजी खत्म। बहुत इजी था ना, रिलेटेबल था, पता चल जाएगा, कॉकरोच से तो बेटर ही लगा मुझे, है यार। चल एनाटॉमी की बात करते हैं, तो क्या है सर, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम। अब यहां पे क्या है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, है ना। कॉर्डेट्स में तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो अच्छी बात है, ठीक है। कैसा कैसा सर, सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम भी है इसके पास, इसके पास हॉर्मोन्स है, इसके पास ग्लैंड्स भी है, तो एंडोक्राइन सिस्टम भी है, यहां पर डाल दो प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, एंडो क्राइन सिस्टम, ये बच रहा है थोड़ा सिस्टम, ठीक है सर, ठीक, बहुत बढ़िया। डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब तुम रिलेट करने की कोशिश करना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो तुमको आसान हो जाएगा इसको पढ़ना, ठीक, मैं कराऊंगा रिलेट, टेंशन मत लो, ठीक। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पता है एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ टू एनस वाला जो पूरा छेद होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है सर।
एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सा है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस। ठीक है, तो ये फ्रॉग क्या होता है, इंसेक्ट खाते हैं, कार्निवोरस है, तो तुमको किसका डाइजेशन कराना है, ज्यादातर प्रोटीनेशियस चीजों का डाइजेशन कराना है, तो इसको एलिमेंट्री कैनाल में एक ही चीज का डाइजेशन अगर कराना है तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होगी, इसके इंटेस्टाइन की साइज रिड्यूस होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, तो हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकोमोडेट कर लिया ना, जरूरत ही नहीं इसको कुछ और डाइजेस्ट करने की, तो क्या क्यों अपने लेंथ इंटेस्टाइन का बढ़ा के रखेगा, एब्जॉर्प्शन में इसको उतना जरूरत नहीं, एक ही चीज का एब्जॉर्प्शन करना है जो आराम से हो पाएगा। तो फ्रॉग है अ स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल विथ द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन बींग रिड्यूस। ठीक है, माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी दैट लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फैरिंग्स। ठीक है, तो क्या हुआ, माउथ जो है ओपन्स इनटू अ बक्कल कैविटी, हमने देखा था ना बक्कल कैविटी पूरा, ठीक है, और उसके बाद ये खुलेगा फैरिंग्स में, और फैरिंग जो कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर हो गया, हमने पढ़ाया ना फैरिंग्स भी, और फैरिंग से ये चला गया ईसोफेगस में, फैरिंग से चला गया ईसोफेगस में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ईसोफेगस कैसा है भाई, ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब, अगेन ये इसका पूरी एलिमेंट्री कैनाल का साइज कम है, तो ईसोफेगस का भी साइज कम है, तो ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टमक विच इन टर्न कंटिन्यूज इन द इंटेस्टाइन। तो पहले स्टमक में खुला और स्टमक से फिर चला गया इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद ये जाएगा रेक्टम में, यहां पे सीकम कोलम नहीं है। ठीक है, और फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय क्लोका। तो पूरा साइकिल अगर तुम यहां से बनाते जाओ, तो ईसोफेगस से कहां गया, ईसोफेगस से स्टमक गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से रेक्टम गया, और रेक्टम से क्लोका गया। आ जाओ, तो ईसोफेगस से मैं साइड में ले देता हूं। ठीक है, क्या हुआ, स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम से चला गया सर क्लोका, है ना, CLOACA, क्लोका। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है सर, यहां पे लिवर, तो लिवर सिक्रीट्स बाइल, ठीक है, That is stored in gallbladder. तो उसके बाद लिवर भी है, गॉल ब्लाडर भी है, सेम जो हम लोग में काम करता था, ह्यूमेंस में काम करता था, क्या लिवर बाइल सिक्रीट करता था, स्टोर कहां होता था, गॉल ब्लाडर में सिक्रीट होता था। ठीक है, पैनक्रियाज भी है इसके पास, तो पैनक्रियाज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, सेम हम लोग में पैनक्रियाज क्या करता था, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता था, खाली इसके पास सलाइवरी ग्लैंड नहीं देखने को मिल रहा है, क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो इसको करना नहीं है, प्रोटीन का ही करना है, तो इसके पास लिवर है, इसके पास पैनक्रियाज है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये गॉल ब्लैडर बाइल तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है, अगेन भाई कि अब तुम कोई कार्निवोर को खा रहे हो, कुछ अमाउंट में तो उसमें होगा ना भाई फैट, ज्यादातर प्रोटीनेशियस होगा, बस कुछ अमाउंट में तो आपका फैट्स भी होगा, है ना, चर्बी होता है ना बॉडी में, किसी भी इंसान को, किसी इंसेक्ट को खाओगे। ठीक है, अच्छा, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। फूड इज कैप्चर्ड बाय अ बाय लोब्ड टंग। अब ये क्या होता है, मेढक कैसे कुछ चीज को कैप्चर करता है, तो क्या होता है, उसका टंग बड़ा ऐसे ऐसे घूम के निकलता है। ठीक है, तो टंग क्या है, उसका बाय लोब्ड है, बाय लोब्ड समझती हो, ऐसे लंबा सा टंग होगा और ये ऐसे, और ये फोल्ड हो जाता है, बाय लोब्ड मतलब दो ऐसे छेद, छेद नहीं मतलब अंदर बीच से फंसा हुआ। ठीक है, तो अब ये जो मान लो कि कीड़ा लगा हुआ है कहीं यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे खोलेगा, कीड़ा स्टिक होगा और अंदर ले लेगा, तो ऐसे फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, सेम जो हमारे बॉडी में वॉल्स ऑफ स्टमक जैसे HCl प्रोड्यूस करता था और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता था, यहां पे इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम, याद है हम लोग में भी जो स्टमक में फूड था उसको हम क्या कहते थे, काइम, एंड इज पास फ्रॉम
स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। हम लोग में भी था स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। रिलेटेबल लगेगा ना आपको, ठीक है। ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस, याद है हम लोग में भी होता था, सक्कस एंट्रिकस आता था, ड्यूडेनम में रिलीज होता था, ठीक है, थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के बदले क्या है, कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, ठीक है। बाइल इमल्सिफाइज फैट्स एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, सिंपल, बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो मतलब सलाइवरी ग्लैंड से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा, पैनक्रियाटिक जूस से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम होगी, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, इंसेक्टिव होता है तो सबसे ज्यादा डाइजेशन किसका होगा, प्रोटीन का होगा, ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, तो फाइनल डाइजेशन हो गया इंटेस्टाइन में। फिर से चलो इसका एक फ्लो चार्ट अगर हम ट्राई करें तो क्या क्या हुआ भैया, तो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है इसका, इंटेस्टाइन का साइज रिड्यूस्ड है, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। माउथ खुला बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से गया स्टमक में, स्टमक से गया इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से गया रेक्टम में और रेक्टम से क्लोका से बाहर निकला आया। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं सर इसके पास, लिवर है, लिवर बाइल सिक्रीट किया, स्टोर हुआ गॉल ब्लाडर में जैसे ह्यूमंस में होता था। इसके पास पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया, दोनों का सिक्रीशन ड्यूडेनम में खुला बाय द हेल्प ऑफ क्या, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। स्टमक में भी खाना डाइजेस्ट हुआ बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस और एससीएल। ये गैस्ट्रिक जूसेस और एससीएल कहां से प्रोड्यूस हुए, ये वॉल ऑफ स्टमक से प्रोड्यूस हुए, ठीक है सर। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये किस रीजन में सिक्रीट हो रहा है, पैनक्रियाटिक जूस और तुम्हारा बाइल, ये सिक्रीट हो रहा है ड्यूडनम रीजन में जहां पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन हो रहा है। तो पैनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है और जो तुम्हारा बाइल है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करा रहा है, ठीक है। और फाइनल डाइजेशन जो है कहां टेक प्लेस हो रहा है, फाइनल डाइजेशन जो है तुम्हारा इंटेस्टाइन में टेक्स प्लेस हो रहा है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर्स लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलायन माइक्रोविलाई। अगेन सेम हमारे पास एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए इसके बाद जो विलायन माइक्रोविलाई ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है फॉर अब्जॉर्प्शन। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है इट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोका। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहां गया, रेक्टम में गया, रेक्टम में थोड़े से स्टोर हुआ और उसके क्लोका से बाहर निकला, क्लोका समझो इसका एक तरह से एनस हो गया है ना, वहां से ये बाहर निकल गया, क्लियर है सर, बिल्कुल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह है, सलाइवरी ग्लैंड अगर हटा दो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनाटॉमी, आप डायग्राम देखिए आपको डायग्राम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको ईसोफेगस दिख रहा है, लिवर दिख रहा है, ठीक है, स्टमक दिख रहा है, इंटेस्टाइन दिख रहा है, रेक्टम दिख रहा है और रेक्टम से फिर चला गया क्लोका में और क्लोका का जो बाहर का छेद निकला हुआ है इसको हम कहते हैं क्लोकल अपर्चर। तो यहां से फीसिस इसका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आगे वाली बाकी चीजें थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। अब आते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे है सर, फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड, रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड, ठीक है, कैसे, इन वॉटर स्किन एक्ट्स एज एन एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, स्किन से रेस्पायर करता है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो एडल्ट फ्रॉग में तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक स्किन हो गया और दूसरा लंग्स हो गया, ठीक है, ठीक है सर।
जब ये सिर्फ एक्वाटिक मोड में रहता है तो वहां पे गिल्स होता है, टैडपोल केस में, ठीक है। तो ये रेस्पायर्स बाय वाटर में है, तो कैसे रेस्पायर कर रहा है, स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहा है, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, इसीलिए पानी नहीं पीता, क्योंकि डिजॉल्व फॉर्म में पानी अंदर लेगा तभी तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, ठीक है। ऑन द अदर ऑन लैंड द बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो लैंड में दोनों चीज, बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स, तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा। पानी में स्किन काम कर रहा है, एडल्ट फ्रॉग की बात करें, एडल्ट फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग यार टैडपोल में डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। पानी में स्किन के थ्रू रेस्पायर करेगा और लैंड पे बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगेन हम लोग पढ़े ना पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो वही चीज है, लंग से रेस्पिरेशन जो हो रहा है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, थोरैसिक रीजन में तुम्हारे लंग्स प्रेजेंट है, जैसा हमारा प्रेजेंट था, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ इलोंगेटेड, ठीक है, पिंक कलर्ड, हमारे ही पिंक कलर्ड ही होता है अगर सिगरेट नहीं फूक रहे हो तो, ठीक है। प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, यानी थोरैसिक रीजन में लंग्स प्रेजेंट है, आपको देखने को यहां पे मिल जाएगा, थोरैसिक रीजन में लंग्स प्रेजेंट है, ये वाला जो है तुम्हारा लंग्स पेयर वाला, ठीक है। तो यहां भी और यहां भी, तो ये दो लंग्स आपके प्रेजेंट है, ठीक है सर, ठीक है। एयर एंटर्स द नॉस्ट्रिल इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन इनटू द लंग्स, अब अलग से ट्रेकिया वेकिया का तामझाम यहां पे नहीं है, तो क्या हुआ, एयर एंटर इनटू, कॉस्ट कटिंग है ना, बजट कम था, तो नॉस्ट्रिल से सीधे बक्कल कैविटी में चला गया, ठीक है, और बक्कल कैविटी से सीधा लंग्स में चला गया, मतलब वही फेरिंग्स के थ्रू होते हुए लंग्स में तुम्हारा चला गया, ठीक है। याद रखना एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, स्किन के थ्रू हो रहा है, क्यों, अब भाई वहां सांस लेने में ताकत लगेगा कि नहीं, तो ताकत ही तो बचाना है, तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू सिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अलग से लिख लीजिए, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, ठीक है। क्विक रिव्यू, क्या भाई, कैसे रेस्पायर करता है फ्रॉग, पानी में है तो स्किन और लंग्स से, पानी में है तो स्किन से, स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जमीन पे है तो लंग और स्किन दोनों से रेस्पायर करता है और बक्कल कैविटी से भी रेस्पायर करता है, ठीक है। अच्छा क्या क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके पास, एक लंग है, पेयर ऑफ लंग है, पिंक कलर का है और ट्रंक रीजन पे, मतलब थोरैक्स वाले रीजन पे है, ठीक है। अच्छा कैसे आता है हवा, नोस्ट्रिल से बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से लंग में गया, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, स्किन से तो स्किन वाला हो ही गया, ठीक है। अच्छा और क्या चीज है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू होता है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे, इसके आई डोंट थिंक तुमको कोई दिक्कत हो रहा होगा पढ़ने में ना, इक्का दुक्का चीज छोड़ के सब ह्यूमन वाला ही है ना, तो तुमको कुछ नया नाम याद नहीं करना पड़ा, जो कि खास करके तुमको कॉकरोच में करना पड़ता था, ठीक। वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप, हमने पढ़ा था ना एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इन एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन, सिस्टम इज सीन, तो इसको लिख लो, ठीक है। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फैटिक सिस्टम ऑल्सो, अब इसके लिम्फैटिक सिस्टम भी है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तुम्हारा ब्लड वाला जो है सिस्टम है ही और लिम्फैटिक सिस्टम भी है, ठीक है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, जो हम लोग में था वैसा ही है। लिम्फैटिक सिस्टम इन्वॉल्व लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड, हम लोग का लिम्फ जो होता था कैपिलरीज थे, बट चलो यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी है, लिम्फ नोड भी हमारे बॉडी में होता था, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और लिम्फेटिक सिस्टम भी है। ठीक। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। सेम अपने बॉडी वाला हिसाब किताब है। ठीक है। थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। हम लोग में कैसा था? हम लोग में फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखना एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है। और बर्ड्स और मैमल्स में फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। इनका कैसा हार्ट है? तो इनका जो हार्ट है वो दो एट्रिया है, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया और एक वेंट्रिकल है, तो इसलिए इसको थ्री चेम्बर्ड हार्ट कहते हैं। ठीक है। तो टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल एंड इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो आउटर कवरिंग जो है वो पेरिकार्डियम है। हम लोग में भी आउटर कवरिंग जो होता है वो पेरिकार्डियम का ही होता है। ठीक है। अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनसस। ध्यान से सुनना, साइनस वेनस, साइनस कैविटी। ठीक है। तो इट ज्वाइंस द राइट एट्रियम। ठीक है। तो राइट एट्रियम में क्या आया? राइट एट्रियम में एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर आया जिसको हमने कहा साइनस साइनस वेनसस, साइनस वेनसस। ठीक। तो इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स एंड वेना कावा। याद है हम लोगों में क्या होता था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता था? वेना कावा से। कहां आता था? राइट एट्रियम में आता था। तो भाई राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए रखा गया था। तो वही यहां पे भी कह रहा है कि साइनस वेनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कहां आ गया? तुम्हारे राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है। वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू अ सैक कॉल्ड कोनस आर्टरियोसस। वेंट्रिकल कहां खुला? एक सैक में। एक ही वेंट्रिकल है तो एक सैक में खुला कहां? कोनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। ठीक है। आगे की तरफ। ठीक है। ठीक है। तो यहां से तुम्हारा मिक्स्ड ब्लड निकलेगा। देखो होता क्या, समझो यहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और यहां पे ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये दोनों वेंट्रिकल में होता है जो मिक्स्ड ब्लड देता है और यही मिक्स्ड ब्लड पंप होता है बॉडी में। कैसे पंप हो रहा है? कहां से पंप हो रहा है? थ्रू कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस से ये ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, है ना? अब ये सारी जगह कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। कौन अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड पंप करता था? आर्टरी। और कौन ब्लड टुवर्ड द हार्ट लाता था? वेन। तो वही वाली बात यहां पे भी है। ठीक है। तो वही द वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म्स द वेनस सिस्टम। सेम बात है ना? सेम बात है। ठीक। अच्छा अब देखो स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। देखो ये वाला लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में वेनस कनेक्शन। तो याद है एनीथिंग दैट स्टार्ट्स इन कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज इज अ पोर्टल वेन। तो वेनस सिस्टम में जो आया इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पोर्टल वेन। ठीक है। एंड यहां पे किडनी में भी है एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। हमारे बॉडी में ये वाला पार्ट नहीं होता। हमारे बॉडी में सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन तुमको तो रैबिट में देखने को मिलेगा, इंसान में देखने को नहीं मिलता। ठीक है। तो यहां देखो तो इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं और लेटर को हम रीनल पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है। पोर्टल वेन क्या हुआ बेटा? एनीथिंग दैट स्टार्ट इन कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज इज अ पोर्टल वेन। एनीथिंग दैट स्टार्ट इन कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज इज अ पोर्टल वेन। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो फिर से एक बार देखते हैं। हार्ट का वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है, क्लोज्ड टाइप है। लिम्फैटिक सिस्टम भी है इसके पास। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आ गया? हार्ट, ब्लड चैनल, ब्लड वेसल्स और ब्लड। लिम्फैटिक सिस्टम में क्या आ गया? लिम्फ, लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड। थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, दो एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है। साइनस वेनस से, वेना कावा से खून बॉडी से राइट एट्रियम में आता है और वेंट्रिकल से खून बाहर निकलता है कोनस आर्टरियोसस से। ठीक है सर।
स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, इसको हम हिपैटिक पोर्टल का सर्कुलेशन कहते हैं या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और रीनल और लोअर बॉडी पार्ट्स में होता है तो उसको हम रीनल पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, द ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा भी है और सेल्स भी है। ठीक है, सेल्स कौन कौन से होंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स, सब कुछ है। तो इट हैज आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है सर, अब यहां पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। आरबीसी कैसा है, न्यूक्लिएटेड है। यहां पे आरबीसी कैसा है, न्यूक्लिएटेड है एंड इट कंटेन्स रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है सिर्फ यहां पे जो न्यूक्लिएटेड आरबीसी, जैसे कैमल में भी आपको न्यूक्लिएटेड आरबीसी दिखता था। ठीक है, तो यहां पे जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है एंड इट कंटेन्स रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, बिल्कुल ठीक है। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी। तो अगेन लिम्फ में सेम जैसे हमारे बॉडी में था कि आरबीसी नहीं रहता था, तो वही वैसे भी यहां पे लिम्फ में भी है। ठीक है, ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वाटर इनटू द रेस्पेक्टिव साइट ड्यूरिंग सर्कुलेशन एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। पंप कर करके ये निकालेगा। क्लियर है सर यहां तक, क्लियर है सर यहां तक, ठीक है बहुत सेम तुम्हारा बाकी सारी चीजें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह हो रहा है, सिर्फ आरबीसी जो है कैसा है सर, आरबीसी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का है। ठीक है, आइए अब आते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते, कैसा सर, तो द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कैरीड बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। देखो सेम अपने बॉडी की तरह पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, यूरेटस है, ठीक है, क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो अब इन जैसे हम लोग में क्या था कि यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर के पास यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा के बदले इसके पास क्लोका है। ठीक है, दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। किसके बारे में कह रहा, किडनी के बारे में। क्या कॉम्पैक्ट डार्क रेड जो हम लोग का होता था, बीन लाइक स्ट्रक्चर जैसा हम लोग का होता था, एंड लिटिल पोस्टीरियरली। हम लोग में कैसा था, किडनी तुम्हारा जो रेट्रो पेरिटोनियल था, है ना, पेरिटोनियल मतलब एक साइड था बट किडनी डॉर्सल साइड पे था। ठीक है, इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो जैसे उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो ट्रंक वाला रीजन है, वहां पे दोनों साइड पे तुमको किडनी देखने को मिलता है। यहां पे स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। तो देखो देखो ये तुम्हारा किडनी हो गया, ये वाला और ये वाला तुम्हारा किडनी हो गया, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक बढ़िया। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। जैसे हम लोग में भी नेफ्रॉन था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो उसको यूनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, टू यूरेटर इमर्जेस फ्रॉम द किडनी इन मेल फ्रॉग। ध्यान से सुनना, मेल फ्रॉग से कितना यूरेटर निकला, टू यूरेटर इमर्जेस फ्रॉम द किडनी इन मेल फ्रॉग्स। ठीक है, द यूरेटर एक्ट्स एज यूरोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोका। ठीक है, तो यूरेटर से सीधा क्लोका में खुल गया। देखो डायग्राम, देखो दिखेगा तुमको, डायग्राम देखो दिखेगा तुमको। तो यूरेटर गया, यूरेटर से तुम्हारा जो है ये सीधे खुल गया कहां पे, क्लोका में। यूरेटर से कहां खुल गया, क्लोका में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर गया, यूरिनरी ब्लैडर से फिर क्लोका में खुल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में थोड़े अमाउंट में स्टोर होगा। ठीक है सर, ठीक। फीमेल्स में क्या हो रहा है, इन फीमेल्स द यूरेटर, यूरेटर से मतलब यहां भी पेयर्ड है, कंफ्यूज कर रहा था, यहां भी पेयर्ड है।
यूरेटस एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन ग्लोगा, ओपन सेपरेटली इन ग्लोगा। ठीक है सर, ध्यान क्या बोल रहा है यहां से, क्या कह रहा है कि यूरेटर निकला, ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज अ यूरोजेनिटल डक्ट, ठीक है, एंड इट ओपन्स इनटू द ग्लोका, मतलब एक ही काम कर रहा है दोनों का, है ना, दोनों में एक ही काम कर रहा है। यहां पे क्या कह रहा है, इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट सेपरेटली खुल रहा है, ठीक है, यहां पे एक साथ ही खुल गया, जेनिटल भी खुला और यूरिन के लिए भी खुला एक ही साथ क्लोका में, और यहां पे क्या हो रहा है, इट ओपन्स सेपरेटली इनटू द क्लोका। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेल में क्या हुआ, यूरोजेनिटल डक्ट, यूरिनो जेनिटल डक्ट जो है एक ही, ये खुल गया कहां पे, क्लोका में, ठीक है। और फीमेल्स में क्या हुआ सर, फीमेल्स में क्या हुआ, यूरेटर अलग और ओविडक्ट अलग, तो ये दोनों सेपरेटली ओपन्स इनटू द क्लोक, ठीक है सर, बहुत। अ थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम, आगे हुआ रेक्टम क्या ना, वेंट्रल टू रेक्टम एंड इट ओपन्स इनटू द क्लोका, ठीक है। फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है, फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, तो यूरियोटेलिक है, ठीक है, फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया, तो ये यूरियोटेलिक है, हम ही लोग की तरह, हम लोग भी यूरियोटेलिक है, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीट, तो किडनी में गया, किडनी में इसका सेपरेशन और एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए अब आते हैं न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं, न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आइए। तो क्या कहेंगे सर, द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग, बिल्कुल, क्वाड्रेंट्स में जैसे जैसे गए न्यूरल सिस्टम डेवलप हो गया, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप हो गया, तो इट इंक्लूड बोथ न्यूरल एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव बाय हॉर्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाया जा रहा है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल है, पैनक्रियाटिक आइलेट, आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज जो होता था, एड्रीनल है और गोनाड है ना, तो ये मेजरली सारे ग्लैंड्स आपको देखने को मिल ही जा रहे हैं। हाइपोथैलेमस नहीं, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन होता नहीं है इसका, तो वन ऑफ द रीजन नहीं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट इज ऑर्गेनाइज इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो हमारा था सीएनएस, पीएनएस, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व और ए एन एस, देखो सेम अपने जैसा ही है, सी एन एस भी है। तो अगर मान लो फ्रॉग नर्वस सिस्टम की बात करो तो क्या क्या सर, सी एन एस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस जो हम लोग में तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, ठीक है, और एएनएस तो इसमें सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक दोनों होता है, ठीक है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है, ठीक है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है इसके ब्रेन में। ह्यूमेंस में कितना पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है, ह्यूमेंस में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल
नर्व्स होता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, सेम चीज। ब्रेन इसका भी डिवाइडेड है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। तो लिखो ब्रेन, अगर बना लो याद अच्छे से रहेगा इसको। तुम सब कुछ टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो, फंडा बॉक्स बुक्स में हमने सब कुछ का टेबुलर फॉर्म दिया हुआ ऑलरेडी। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या बोल रहा है, इसके पास है ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जो हम लोग के बॉडी में भी होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड अनपेयर्ड डाइसेंफेलन, डाइसेंफेलन जिसमें था तुम्हारा थैलमस, एपिथैलमस और हाइपोथैलमस, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इनमें हाइपोथैलमस होता है कि नहीं होता, डाइसेंफेलन तो है, ठीक है। अच्छा, मिड ब्रेन के पास क्या है, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब्स। और हाइंड ब्रेन के पास, इसके पास क्या है, पॉन्स नहीं होता, तो इसके पास मेड्यूला है और उसके बाद सेरिबेलम है, तो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा है इसके पास और सेरिबेलम, ठीक है। तो फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड अनपेयर्ड एन्सेफेलन। मिड ब्रेन ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है, हाइंड ब्रेन में तुम्हारा सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गाटा प्रेजेंस है, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गाटा हाइंड ब्रेन में, मिड ब्रेन में तुम्हारा ऑप्टिक लोब और फोर ब्रेन में तुम्हारा ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड अनपेयर्ड डाइसेंफेलन प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, द मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम, अगेन ये हम लोग में होता है, एंड इट कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज इनक्लोज इन द वर्टिब्रल कॉर्ड। तो सीधा वही जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट नहीं था सीधा, तो उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू कर गया, विच इज इनक्लोज ना वर्टिब्रल कॉर्न, तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है, क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब सेंस ऑर्गेन की बात करते हैं, तो फ्रॉग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गेन, नेमली ऑर्गेन्स फॉर टच, इसको हम सेंसरी पैपिले कहते हैं, टेस्ट टेस्ट बड्स, स्मेल नेजल एपिथीलियम में प्रेजेंट है, विजन आई और हियरिंग टिम्फैनम विद इन इनर ईयर। आउट ऑफ दीज आई एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई और ईयर इसका अच्छे से डेवलप्ड है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। तो रेस्ट ऑफ द आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग, तो रेस्ट बाकी सब इसके अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, तो इसको बस ये बोल सकते हो आई और इंटरनल ईयर का सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड है, बाकी कुछ अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। आई इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन ऑर्बिट इन द स्कल, ऊपर की तरफ थोड़ा होता है ताकि सब जगह से देख पाए, ठीक है। याद रखना सिंपल आई है, मतलब एक इमेज बना रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्स आई आपको देखने को मिलता था जहां पे मोजाइक विजन दिखाता था कॉकरोच में, तो यहां पे सिंगल विजन, जैसे हम सिंपल आई है वैसे ही सिंपल आई है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, बताया था, ओनली टिम्फैनम मेम्ब्रेन कैन बी सीन, ठीक है। ईयर इज द ऑर्गेन फॉर हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, जैसे हम लोग के बॉडी में ईयर हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों में रोल प्ले करता था, यहां पे भी ईयर हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों का रोल प्ले कर रहा है, तो ये आपके इसके सेंस ऑर्गेन्स हो गए, ठीक है। तो इसके पास सारे सेंस ऑर्गेन्स हैं, बट ईयर और आई वेल डेवलप्ड है, बाकी सेंस ऑर्गेन इसके वेल डेवलप नहीं है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना, ये थोड़ा नया सा है ना, इसको ध्यान से पढ़ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये थोड़ा नया सा है, बाकी सब कुछ तो आपको जाना पहचाना ही समझ आता होगा, ठीक है। डायग्राम की मदद से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसकी समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉग्स हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, ओवल शेप का, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, विच आर फाउंड
adhered to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum called मीसोचियम। ठीक है, तो अब यहां पे स्क्रॉटम तो है नहीं, तो लटका तो नीचे नहीं रह सकता, तो कहां टेस्टिस चिपका हुआ है? टेस्टिस किडनी के साथ चिपका हुआ है बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीसोचियम, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीसोचियम। तो यहां देखो, यहां टेस्टिस है आपका, किडनी के साथ ये चिपका हुआ है, किडनी के साथ ये चिपका हुआ है। ठीक है सर, ठीक, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये पहला पॉइंट इसको लिखे। पेयर ऑफ टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, कैसा? येलो है कलर में और ओवॉइड है एंड इज एडिहर्ड टू अपर पार्ट ऑफ, कैसे? बाय पेरिटोनियम, जिसको मिसोर्चियम कह रहे हैं हम। ठीक, अच्छा, वासा एफरेंचिया याद है, हम लोग पढ़ते थे, वासा एफरेंचिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम टेस्ट। अब यहां वासा एफरेंचिया हम लोग में क्या था? टेस्टिस के अंदर था, यहां टेस्टिस से बाहर निकल रहा है वासा एफरेंचिया। ठीक है, दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इन टू बिडर केनाल। अब ये क्या किया, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है और ये स्पर्म जो है वासा एफरेंचिया से निकल के किडनी में घुस जा रहा है, ये स्पर्म जो है वासा एफरेंचिया से निकल के किडनी में घुस जा रहा है। तो देखो, ये वासा एफरेंचिया और ये वासा एफरेंचिया से निकल के कहां चला गया? किडनी में चला गया, थ्रू अ कैनाल कॉल्ड बिडर्स कैनाल, थ्रू अ कैनाल कॉल्ड बिडर्स कैनाल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आया हुआ है, 3 बार सवाल आया हुआ है और इसी पे आया हुआ, बिडर्स कैनाल पे। ठीक है, फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनिटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोका। समझ में आया? तो बेसिकली याद है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ओविडक्ट अलग था और यूरेटर अलग था फीमेल में, यहां पे क्या हो रहा है भैया कि क्या किडनी से ही निकल रहा है इसका स्पर्म भी, है ना? तो इट कम्युनिकेट्स विथ द यूरोजेनिटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इन टू द क्लोका। ठीक है, क्लोका कैसा है? द क्लोका इज अ स्मॉल मीडियन चेम्बर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, ठीक है, यूरिन एंड स्पर्म्स इन टू द एक्सटीरियर। तो बाहर तीनों चीज कहां से निकल रहा है? एक ही जगह से निकल रहा है, दैट इज क्लोका। तो फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म, तीनों चीज क्लोका से निकल रहा है। मेल में समझ में आ गया बेटा, सिंपल है। क्या स्पर्म कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्टिस, टेस्टिस से निकला वासा एफरेंचिया, वासा एफरेंचिया से गया किडनी, किडनी से गया यूरो यूरिनो जेनिटल डक्ट, ठीक है, और यूरिनो जेनिटल डक्ट से चला गया क्लोका में। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है सर, पेयर ऑफ ओवरीज हो गया। ठीक है, ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। तो यहां पे चिपका नहीं है ओवरी, अलग ही है। ठीक है, अब पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवरी एंड ओपन्स इनटू द क्लोका सेपरेटली। अब यहां पे भी देखिए कि ओविडक्ट जो है अगेन किडनी में नहीं गया, ये क्लोका में अलग से चला गया। फीमेल का देखो, यहां पे तुमको फीमेल का भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरी है, ठीक है, ओविडक्ट है और ओविडक्ट अलग से क्लोका में जा रहा है, अलग से क्लोका में जा रहा है, ओविडक्ट इसके थ्रू क्लोका में नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मेच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा, बाप रे बाप, देख रहे हो, एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पड़े हो गए, एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। ठीक, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टेटपोल, यही लार्वल स्टेज था टैटफोल। ठीक है, टैटफोल गोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट, टैटफोल गोज मेटामॉर्फोसिस, चेंज आता है उसमें, लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में बनता है, तो ये एडल्ट बना दिया। ठीक है सर, फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। फ्रॉग मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज These serve as important link of food chain and food web in the ecosystem. In some country, the muscular legs of frogs are used by as food
मैन बड़ा महंगा होता है, डेलीकेसी कहते हैं जो उसका फूट होता है, सिर्फ फूट एक्सपोर्ट होता है, बट अभी बैंड है इंडिया में ये सब काम कर। ठीक है, समझ में आया सब कुछ? एक एक लाइन एनसीईआरटी का, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लगभग 70% चीज ह्यूमन से मिलता है, 30% चीज जो अलग था वो आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इससे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो दिस इज अ हाई स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, इस वीडियो को एक बार लूप में और पूरा देख लीजिए 1.5x स्पीड पे। अगर तुम इस वीडियो को दो बार देख लोगे उसके बाद सीधे तुमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोलो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा सर? तो इसका क्वेश्चन और पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, t.me/anandmani00। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए एंड ये चैप्टर आपका द एंड हो गया। ठीक है, डायग्राम लेबलिंग पे ध्यान देना, डायग्राम लेबलिंग पे सवाल आ सकता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेना, और एक पूरा बाकी और एनाटॉमी का जो पूरा सिस्टम था, ये तीनों डायग्राम एक बार अच्छे से इसकी लेबलिंग देख लेना, लेबलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको न्यू एनसीईआरटी बेस्ड, तुमको होमवर्क दे रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू चाहिए, डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू चाहिए, तो आपको दो काम करना पड़ेगा, होमवर्क है। पहला सर काम है आपको इस वीडियो के नीचे 1K कमेंट्स करना है, ठीक है, और दूसरा 2 लाख सब्सक्राइबर कराना है। सारे काम मैं ही नहीं करूंगा, ठीक है, वैसे हो जाएगा, ऑलरेडी होने वाला है, बट ठीक है, ठीक है, बट थोड़ी मदद कर दोगे तो बढ़िया फील होगा। हम लोग 40 डेज में, 40 डेज हार्ड चैलेंज चलाएंगे और 40 डेज में कंप्लीट एनसीईआरटी रिव्यू कर लेंगे, तो ऐसे बिल्कुल लोड के बिना तुम्हारा 40 डेज में बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू करो, 10,000 क्वेश्चन सीरीज करते रहेंगे। एनसीईआरटी रिव्यू के बियॉन्ड कुछ नहीं आता, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, चल, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले क्लास में निश्चय बैच के। थैंक यू।